एमपीपीएससी प्री का एग्जाम 21 मई नजदीक आ गया है और मैं समझता हूं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप बेटे जो टाइम है उस टाइम का आपको बहुत अच्छे से यूज करना है और इस समय आपको पुराने पेपर्स वो सॉल्व करने हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह आप अगर ज्वाइन करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ओटी लगाएं और जो आपने पूरा साल भर से पढ़ा हुआ है उसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज करें। देखिए बहुत ज्यादा के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे पास है वो भी चला जाए। एग्जाम में ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ने के कारण होता यह है कि हमारे पास जो पहले से हमने इतनी अच्छी स्टडी की है उसको हम रिवाइज नहीं कर पाते अच्छे से और पेपर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है भाई कंफ्यूजन में गलत हो जाते हैं। क्योंकि बेटे मेरा इतना लंबा अनुभव है, आज 26 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, मैं हमेशा एक ही बात अपने बच्चों से कहता हूं और वो बात यह है कि कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम में जो अनसक्सेस होता है, असफल होता है, वो इसलिए नहीं होता कि उससे कुछ टफ क्वेश्चंस, कठिन क्वेश्चंस नहीं बने। हमेशा बच्चा जो प्रीलिम्स के एग्जाम में यूपीएससी हो या एमपीपीएससी हो या अदर कोई भी एग्जाम हो, वो असफल इसलिए होता है क्योंकि वो ह्यूमन मिस्टेक ज्यादा करके आता है, वो आते हुए क्वेश्चंस गलत करके ज्यादा आता है, वो सरल क्वेश्चंस गलत करके ज्यादा आता है। तो स्वाभाविक है कि हम साल भर से इतना अच्छा पढ़े हैं, हम अपने सारे नोट्स को रिवाइज करें, करेंट को लेकर के अच्छे से पढ़ें, पूरा सिलेबस अच्छे से देखें और उसके बाद अगर टाइम मिले तो आप एक्स्ट्रा देखें, ओटी ज्यादा लगाएं। मैं ऐसा मानता हूं कि क्योंकि इतना सालों हो गए और आप बेटे बच्चे सभी जानते हैं कि मेरे संस्थान का रिजल्ट हमेशा से नंबर वन रहा है और मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। फिर भी अगर कहीं आपको कोई डाउट है, किसी भी टॉपिक में डाउट है, कोई भी डाउट है, तो बेटे अभी मैंने शाम को 5 बजे से 7 बजे तक का समय मंडे से लेकर के और थर्सडे तक, सोमवार से लेकर के गुरुवार तक ग्वालियर में बच्चों के लिए रिजर्व कर रखा है। फ्राइडे सैटरडे 2 दिन में ऑलरेडी इंदौर में, वहां पर बच्चों को गाइडेंस देते ही हूं। इसके साथ साथ संडे को 12 से लेकर के 2 बजे तक मैं ग्वालियर में कोचिंग पर भी गाइडेंस देता हूं। इसलिए बच्चे कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि मेरे अनुभव की आवश्यकता है या कोई डाउट कहीं भी है, बिल्कुल निश्चिंत रहें और आकर के मेरे से मिलें, संपर्क करें, डाउट लेकर के आए और वो सारे डाउट अपने क्लियर करें, ठीक है। और बेटे बेहतर से बेहतर अच्छे से पढ़े क्योंकि आप जानते हैं लगातार वैकेंसी आ रही है, अब सब चीज ओपन हो गई, एमपीपीएससी ओपन हो गई। अभी मैं भारी मात्रा में 2020 के बच्चों के साक्षात्कार ले रहा हूं, लगभग 225 बच्चों के मैं साक्षात्कार, उनकी मॉक की जो प्रिपरेशन है वो मैं करा चुका हूं। एक तरफ 20 के इंटरव्यू चल रहे हैं, 19 का ऑलरेडी मेंस है, ये हो ही चुका है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि 21 के मेंस की भी डेट आ गई है और 22 का प्री हो रहा है और इसके बाद 23 की वैकेंसी भी बहुत जल्दी आपकी आने वाली है क्योंकि पीएससी को अपना कैलेंडर पूरा करना है। इसलिए लगातार वैकेंसी है 23, 24, 25 में। अब बेटे आपके हाथ में है, आप सब जगह से ध्यान हटा करके अपना पूरा ध्यान पीएससी के प्रिपरेशन पर लगाइए और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, फिर कहता हूं कि आप भी प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। थैंक यू बेटे।